अथ प्रयोगः ओम शुभग्रहानुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्यक्रियो यजमानः शुभासने प्रांगमुख उपविश्य स्वादक्षिणतः पतनीं चोपवेश्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपनी पीडीएफ थी उसमें जो शुभ ग्रह अनुकूल समय जो चार लाइनें थी वो आप वहां पर याद करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर आपको तो वो आप वो चार लाइनें याद करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। और बाकी आपका है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों लाइनें हैं, क्या तीन चार लाइनें बहुत अच्छे से दे रखी है ना। ओम चंद्रादि शुभ ग्रह अनुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्रांगुखो दंखो वाचोपविश्य स्वदक्षिणतः पतनीं चोपवेश्य पवित्र पाणि देवं पुरतः संस्थाप्य वामे कलशं पूजोपचारं दक्षिणे निधाय आचम्य प्राणानायम्य। ठीक है ना। तो ये तीन चार लाइनें वह भी बोल सकते हो या यह भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। शुभ ग्रहानुकूल समये, है ना, शुभ ग्रहानुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्रांग मुख, है ना, ये अंग जो है ना ये आधा है, प्रांग मुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पतनीम, है ना, स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य ओम। अब फिर ये आचमन के लिए आ गया कि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। ठीक है, तो एक बार यह लाइनें बोलिए, कोई भी, रमेश जी आप बोलिए ऊपर वाली। ओम शुभ ग्रहानुकूल वेलाय समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्रांगमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। इति त्रिराचम्य, है ना, मैं पुनः एक बार बोल देता हूँ, है ना। ओम शुभ ग्रहानुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने च कृत नित्य क्रियो यजमानः शुभासने प्रांगमुख उपविश्य स्वदक्षिणतः पत्नीं चोपवेश्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य। अब देखिए, एक चीज मैं पहले कह देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम लोग सबसे पहले आचमन ही करें। यहाँ पर आचमन दे रखा है तो बहुत से लोग पहले आचमन करते हैं, ठीक है, उसके पश्चात पवित्रीकरण करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या क्रम है कि यहाँ पर पहले आचमन दे दिया, अब फिर यहाँ पर फिर पवित्री धारण हो गया, है ना, उसके बाद में और फिर पवित्रीकरण हो गया, ठीक है। तो यह क्रम भी ठीक है ना, ये प्रारंभ का क्रम आप अपनी अपने अनुसार कैसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर पहले यह बता दिया गया कि यजमान को चाहिए कि वह शुभ ग्रह एवं शुभ दिन तथा शुभ लग्न में संध्या वंदनादि कार्य करने के बाद पूर्व मुख कुश के आसन पर बैठकर, है ना, पूर्व मुख कुश के आसन पर बैठकर ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः कहकर तीन बार आचमन करे। यह हमारा क्रम जो है यहां से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, शुभ ग्रहानुकूल समये शुभे दिने शुभे लग्ने, शुभ ग्रह का जो अनुकूल समय है शुभे दिने शुभ लग्ने चक्रत नित्य क्रियो यजमान है, यजमान जो है अपने नित्य क्रियाओं से संपन्न होकर के शुभासने शुभ आसन के ऊपर प्रांग मुख का मतलब है उत्तर पूर्व में मुख करके, है ना, उपविश्य बैठ जाए और स्वदक्षिणतः पत्नीम चोपवेश्य खुद के दक्षिण भाग में पत्नी को बैठा ले, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है प्रयोग जो है प्रारंभ करें। तो सबसे पहले यहाँ आ गया ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः इति त्रिराचम्य, यानी यह तीनों बोल करके तीन बार आचमन करना है। आचमन जो है
वो हाथों में जल लेंगे, ठीक है, हाथों में जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, समझ गए ना, ऐसे तीन बार आचमन करेंगे, इति त्रिराचम्य, ठीक है। अब आचमन करने के बाद में यह मंत्र दे रखा है यहाँ पर, पवित्र स्थो मंत्र है, और यह मंत्र किस कार्य के लिए दिया गया है यहाँ पर, हमें पवित्र धारण करने के लिए। देखिए कहा गया है कि इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणम कृत्वा ततः प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, ठीक है, यानी हमें कुश से बनी हुई जो पवित्री है वो पवित्री धारण करनी है, कुश की कोई भी डाब या कुश हो, कुश समझ गए आप लोग, कुश का मतलब समझ गए ना, क्या है, हाँ, तो उस कुश का क्या करते हैं कि बहुत सी जगह तो जैसे कुशोत्पाटनी जो आती है ना, कुशोत्पाटनी जो दिन आता है उसके दिन क्या करते हैं कि एक बार अगर अपन कुश कुश तोड़ करके रख लेते हैं तो फिर एक साल पर्यंत तक हमें कुश कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही कुश हमें काम में आ जाती है, ठीक है, तो वो सूख भी जाती है तो क्या होता है, थोड़ा पानी में डाल लीजिए, उसके बाद में वो गीली हो जाती है थोड़ी देर में, फिर उससे आप चाहो जैसा आप उससे कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, तो उससे आप अंगूठी टाइप में इस अनामिका में जो अंगूठी जैसे आ जाए वैसे उस कुश से आप बल दे करके बना लेते हो, ठीक है, बना करके इसमें धारण कर लेते हो, है ना, अनामिका अंगुली में आप पवित्री धारण कर लेते हो, ठीक है। अब धारण करते हुए आपको यह मंत्र बोला जाता है, ओम पवित्र स्थो, ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम हरि ओम मा, अब यहां देखिए पवित्र स्थो, है ना, प वी और फिर त्रे, है ना, पवित्र स्थो, प वी और त्रे, उच्चारण पवित्रे। अब यहां पर देखिए त्र और नीचे र भी है ना, केवल त्र नहीं है, र भी है साथ में, तो पवित्रे, है ना, पवित्रे, आधा स आधा त और फिर थो, तो थो, पवित्रे स्थो, पवित्रे स्थो। आगे वैष्णव्यौ, ये वही है, डबल व है, ऊपर ऐ की मात्रा है, ये आधा श, ये आधा श, और इसको ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, ये जो पद्धति उसमें ण है, इसको ण का उच्चारण करेंगे, वैष्ण, आधा व और फिर या औ की मात्रा, तो यौ हो गया, तो वैष्णव यौ, ण के बाद में आधा व है, तो वैष्णव यौ, है ना, पवित्रे स्थो वैष्णव यौ, है ना, पवित्रे स्थो वैष्णव यौ। उसके बाद में सवितुर वह, सवितु छोटा है, डबल व के ऊपर र की मात्रा और विसर्ग है, ये जो भाग वाला चिन्ह है ना, ये विसर्ग है, सवितुर वह। अब इसका अगर आप लोग स्वर देखना चाहते हो तो स्वर देखिए, स्वर तो है एक नीचे, बीच में, ऊपर और दाएं और बाएं, ये पांच स्वर होते हैं, ठीक है ना, जैसे ऊपर से प्रारंभ करते हैं तो हो गया, तो पांच जगह स्वर जाते हैं, तो ये पवित्र स्थो का जो स्वर है ये प जाएगा नीचे, वी ऊपर और त्रे बीच में, पवित्रे स्थो, है ना, फिर दे रखा है यहां पर वैष्णवयौ, तो वैष्ण रहेगा बीच में, णवयौ पर हाथ ऐसे घूम जाएगा, णवयौ, फिर सवितुर वह, स वी नीचे, तुर ऊपर, वह बीच में, और ये भाग वाले चिन्ह में दोनों अंगुलियां निकल जाती है ना, सवितुर वह। जो स्वर का उच्चारण करना चाहते हैं, जो स्वर का अभ्यास करना चाहते हैं, वो स्वर का अभ्यास करे, बाकी जो है आप लोग केवल उच्चारण पे ध्यान दीजिए, है ना। गुरुदेव जैसे, हेलो जी गुरुदेव, जैसे नीचे को डंडा दिया तो नीचे को करेंगे, ऊपर को दिया है तो ऊपर को करेंगे, ये जो नीचे लकीर खींची हुई है ना, इसका मतलब हम नीचे चले गए, क्योंकि आगे बीच का स्वर दे रखा है, ठीक है, लगातार अगर ऐसे स्वर आ जाए तो दाएं बाएं चले जाएंगे, है ना, ऐसा है, पवित्रे स्थो वैष्णवयौ सवितुर्वह। उसके बाद में प्रसव, तो प्र बीच में, स नीचे और व ऊपर, प्रसव, फिर उत्पूना, उ आधा त, तो उत्पू और फिर ना, उत्पूना, उत ऊपर, पू बीच में और ना नीचे, उत्पूना, है ना, पवित्रे स्थो वैष्णवयौ सवितुर्वह प्रसव,
उत्पूना आगे म्यच छिद्रेण आधा म यह आधा च तो म्यच छी द्रे और फिर न तो छिद्रेण म्यच छिद्रेण है ना म्यच छिद्रेण फिर पावितरेण प नीचे वी ऊपर त्रे बीच में और ना नीचे पावितरेण फिर सूर्जसिया सु ऊपर ज बीच में सूर्जसिया फिर रश्मि भी र आधा श मी भी और विसर्ग तो रश्मि भी र नीचे श्मी ऊपर भी बीच में रश्मि भी है ना। अब ये आधा मंत्र हो गया यहाँ पर पावितरे स्थो वैष्णव्य सवितुर्वाह प्रसाव उत्पुनाम्यच्छिदरे न पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः। उसके बाद में तस्याते त आधा स और यम बीच में तस्याते पावित्रापाते पावित्रापाते तस्याते पावित्रापाते फिर पावित्र पूतस्य पूत आधा स और य पावित्र पूतस्य प नीचे वी ऊपर त्र बीच में पावित्र पूतस्य फिर जत कामः इसको ज का उच्चारण करेंगे य के अंदर जो बीच में लकीर खींची हुई है ऐसा आ जाए तो मंत्रों में उसको ज का उच्चारण करेंगे ठीक है ना। ज आधा त तो जत काम और विसर्ग तो जत कामः है ना जत कामः। उसके बाद में पुने पुनीचे ने ऊपर पुने तक्ष के अब यहाँ पर त आधा च फिर छ फिर के य और आधा म है ना तक्ष के यम तक्ष के यम पूरा मंत्र सुनिएगा हरि ओम मा पावितरे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसाव उत्पुनाम्यच्छिदरे न पावितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याते पावित्रापाते पावित्रापूतस्य जत्कामः पुने तच्छके यम्मा है ना पुने तच्छके यम्मा कोई भी एक मंत्र बोलिए हरि ओम मा पावित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्येते पावित्र पाते पावित्र पूतस्य जत्काम पुने तच्छके यम पुने तच्छके यम। अब यहाँ पर क्या बोलना है अच्छा एक चीज यह भी देखिए कि पत्नी जो है दक्षिण भाग में कैसे बैठती है ना उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संस्कार संस्कार्यः पुरुषो वापि स्त्रीवा दक्षिणतः सदा स्त्रीवा दक्षिणतः सदा संस्कार कर्ता सर्वत्र तिष्ठे दुत्तरतः सदा यानी जो संस्कारी है जो मतलब जो कार्य करेगा जो अच्छे कर्म करेगा संस्कारी है सीधे बातों में समझिए संस्कार है पुरुषो वापी वो उत्तर में बैठेगा और स्त्री वा दक्षिणतः सदा स्त्री जो है उनके दक्षिण भाग में बैठेगी ठीक है ना। इति प्रयोग पारी जाते ये प्रयोग पारी जात का यह प्रमाण है ठीक है ना। इन चीजों को याद रख सकते हो पूछ ले आपसे कि भाई दक्षिण में ही पत्नी क्यों बैठती है तो यह श्लोक आपके लिए प्रमाणित है। संस्कार्यः पुरुषो वापि स्त्रीवा दक्षिणतः सदा संस्कार करता सर्वत्र तिष्ठे दुत्तरतः सदा ठीक है। हाँ पवित्रेस्तो मंत्र बोला हमने पवित्रेस्तो मंत्र बोलने के पश्चात यह लाइन जरूर बोलनी है कि इति मंत्रेण एक मिनट प्लीज म्यूट रखिए है ना इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणं कृत्वा ततः प्राणा
यामत्रयम् कुर्यात् है ना, इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणं कृत्वा ततः प्राणायामत्रयम् कुर्यात्, यह होना चाहिए है ना, इसी प्रकार से बोलना है। पवित्र स्तो मंत्र जैसे पूरा हुआ बहुत ही इस प्रकार से बोले, इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणं कृत्वा ततः प्राणायामत्रयम् कुर्यात् है ना। तो ये आपने मंत्र बोलते यह लाइन बोली तो क्या होगा, इति मंत्रेण कुशादि निर्मित पवित्र धारणं कृत्वा, यानी इस मंत्र से जो आप है अब कुश की पवित्री जो है वो धारण कर लीजिए, कर लिया ततः प्राणायामत्रयम् कुर्यात्, अब प्राणायाम करिए तीन बार। तो प्राणायाम की विधि आप सभी को बताई हुई है पूर्व में, ठीक है, वो आप उस विधि को ले सकते हैं, यहाँ पर वो विधि नहीं दे रखी है ना, तो वो विधि आप वहां पर ले सकते हैं ना। प्राणायाम त्रयम कुर्यात्, तो पूरक कुंभक रेचक के द्वारा पूरक श्वास खींचते हुए श्वास रोकेंगे कुंभक और रेचक में धीरे 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 श्वास को छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको तीन बार प्राणायाम करना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भी कर सकते हो है ना, और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय बोल करके भी कर सकते हो, द्वादशाक्षर मंत्र बोल के भी। और श्वास जब आप खींचे पूरक क्रिया जब हो तो नाभि के अंदर भगवान ब्रह्म नाभि के अंदर भगवान विष्णु को स्थापित करें, श्वास रोके तो रोकते हुए मस्त हृदय में भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तीन बार, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 भगवान शिव जी का मस्तक पर ध्यान करें। तो ये पूरक कुंभक रेचक ये क्रिया हुई है ना, पूरक कुंभक रेचक इस क्रिया के द्वारा आपको प्राणायाम करना है, तो यजमान भी करे तो उसको भी करवाना है, ठीक है। प्राणायाम किया और तीन बार इस कर्म को करना है, ठीक है। तो प्राणायाम के द्वारा हमने भगवान ब्रह्मा जी को विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी को हमने अपने शरीर में उनको स्थापित किया, ठीक है। उसके पश्चात ओम अपवित्रः पवित्रो वा है ना, ये अ है, अपवित्र और विसर्ग, तो ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा वस्थांग है ना, सर्वा वस्थांग गतो पी वा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां, अंग का उच्चारण होगा यहाँ पर, सर्वावस्थां गतो पीवा, फिर यह यह स्मरेत, यह स्मरेत पुंडरी, यह स्मरेत पु आधान ड और फिर री, तो पुंडरी काक्षम स बाहिया वा है के अंदर देखिए ये यह भी बना हुआ है पर आ की मात्रा, तो बाहिया भ्यंतर आधा भ यह आधा न, तो भ्यंतर और विसर्ग तो भ्यंतर शुचि ही है ना। अब पूरा मंत्र सुनिएगा, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, तीन बार दे रखा है, तो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, पूजा करेगा प्रकाश है, इत्यात्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्षयेत्। इसका मतलब क्या है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतोपि वा, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो सर्वावस्थांगतोपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जैसे ही भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करोगे स बाह्याभ्यंतर शुचि, तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों शुचि यानी पवित्रता को हम प्राप्त करते हैं। तो ये मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम क्या करते हैं, जल से पूरे शरीर का प्रोक्षण करते हैं, सामग्री का प्रोक्षण करते हैं, ताकि सामग्री में भी कोई प्रकार की अशुद्धि ना रहे, यजमान और जो भी वहां पर पूजा क्रम में बैठे हुए हैं सबके ऊपर जल का प्रोक्षण होता है, ठीक है। पुंडरीकाक्ष इत्यात्मानं पूजन सामग्रीं च संप्रोक्षयेत, समझ गए। देखिए ओम पवित्र पवित्र वासे पुंडरीकाक्ष पुनातु पर्यंत पढ़कर अपने ऊपर एवं पूजन सामग्री पर जल छिड़के, ठीक है ना, पूजा सामग्री में
अब उसके पश्चात देखिए यहाँ पर यह विधि दे रखी है कि ततः तंडुल पूरित ताम्र पात्रे, है ना, आप पढ़िएगा, ततः तंडुल पूरित ताम्र पात्रे मृणमये वा कुंकुमेनाष्टदलम पद्मम कृत्वा तदुपरि गोमयमयीं गौरीं फलमयं गणेशं च संस्थापयेत। अब यहां पर क्या विधान है कि उसके बाद चावल से भरे हुए मिट्टी अथवा तांबे के पात्र में रोली से अष्टदल एवं कमल बनाकर उसके ऊपर गोबर की, है ना, गोबर की गौरी तथा सुपारी पर गणेश जी की स्थापना करें। हम लोग सुपारी में मोली लपेट करके गणेश जी की स्थापना करते हैं ना, उसी प्रकार कहा गया है कि साथ में गौरी की स्थापना गोबर के रूप में करें। गोबर जो है, गोबर का टुकड़ा, उसपे मोली लपेट करके उसके ऊपर आप गौरी की स्थापना और पास में गणेश जी की स्थापना करें। या तो कोई आपके पास चावल से भरा हुआ कोई पात्र होना चाहिए, चाहे मिट्टी हो चाहे तांबे का हो, कैसा पात्र हो, है ना, उसमें आप अष्टदल बना करके उसके ऊपर गौरी और गणेश जी की स्थापना करें, है ना, यानी गोबर के गौरी और गणेश जी की स्थापना आपने उनके ऊपर करी, ठीक है। यह तो बोलते जी, हाँ बताइए। तो अगर गोबर पर अगर वो लगाएंगे तो वो तो लगेगी नहीं ना मौली, क्यों नहीं लगेगी? लगती है, लग जाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल लगती है। आप जरूरी नहीं है, आप क्या नाम है, पूरी पूरा जो गोबर है वो गीला वाला गोबर ही लो, हाँ, ठंडा भी ले सकते हो, सूखा वाला, उसको सूखा वाला लेकर के उसके ऊपर भी आप बना सकते हो, बहुत शुद्ध माना गया है, बहुत ज्यादा शुद्ध माना गया है, और उसके अंदर माँ गौरी जो है वो स्वयं विराजित रहती है, इसलिए गोबर का विधान है कि गोबर के ऊपर गौरी की स्थापना करें, है ना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियां गोबर के अंदर विराजमान है, इसीलिए पहले घरों के बाहर गोबर का चौका लगाया जाता था, है ना। तो यहाँ पर एक बार देखिए, ततः तंडुल पूरित ताम्र पात्रे मृणमये वा कुंकुमेनाष्टदलम पद्मम कृत्वा तदुपरि गोमयमयीं गौरीं फलमयं गणेशं च संस्थापयेत, ठीक है ना। तो ये लाइनें हो गई, कल जो है स्वस्ति वाचन अपना प्रारंभ होगा, ठीक है, स्वस्ति वाचन कल करेंगे और यह क्रम रहेगा कल का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग तैयार करिए, पहले कंठस्थ करने का प्रयास करिए, आज अपना ये क्रम हुआ है तो प्रथम ये आप लाइन पूरा यह तैयार करिए, उसके बाद में पवित्र स्तो मंत्र को तैयार करिए, इनको समझते हुए तैयार करिएगा, यह लाइनें क्या कह रही है, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, लेकिन लाइनों को पूरा तैयार करते हुए चलिए, है ना, क्योंकि कोई आप लोगों को भी यजमान को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप लोग भी यजमान को समझा समझा करके करवाएं ताकि उनको भी भाव आएगा। तो पूरा यहाँ से जो है लाइनों को पूरा पढ़िए, उनको तैयार करिए, कंठस्थ करिए, उनको हिंदी अर्थ भी उनका तैयार रखिए, है ना। पवित्र स्थो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा हम कुशा देवी पवित्र धारण करते हैं, है ना, फिर ओम पवित्र पवित्र वाक्य के माध्यम से हम शरीर का प्रोक्षण करते हैं। तो इत्यादि जो क्रम है, यहाँ तक का पूरा क्रम जो है आप लोग कंठस्थ करके तैयार रखेंगे, ठीक है। बाकी आइए अब आगे बढ़ते हैं।